Hello student, today I am teaching you social science for class 8th and our today's topic is from your history book, this is chapter 10, Colonial Cities. So in my previous video, I explained you chapter 9 and I covered the topic role of social reformers and social changes. Okay? Now in this chapter 10, Colonial Cities, we will discuss about the establishments of the rules, British rule and decline of the early cities. कि कैसे ब्रिटिशर्स ने रूल किया और कैसे स्टार्टिंग में वो अपने को सेटअप कर पाए और फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन हुए कम हुए. एमर्जेंस ऑफ न्यू सिटीज़ इन मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे एंड दिल्ली, और कैसे वो नई सिटीज़ उन्होंने इमर्ज करी मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे एंड दिल्ली में. व्हाट आर द टाउन प्लानिंग एंड सोशल लाइफ इन द सिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. देन वी विल स्टडी द केस study the first metropolitan cities of India. Okay, so as the British gradually acquired political control after the Battle of Palsy in 1757 and the trade of the East India Company expanded colonial port cities such as Madras, now we call Chennai, Kolkata, Calcutta we call Kolkata, and Bombay, Mumbai. सो बिकेम प्रेजिडेंसी सिटीज़. तो जो हमारे ब्रिटिशर्स थे जब वो जो बैटल ऑफ पालसी था 1757 के बाद, व्यापार करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे कंट्री में कॉलोनियल सिटीज़ का इन्होंने स्टार्ट किया. ठीक है, तो ये जो हमारी प्रेजिडेंसी सिटीज़ थी, जो हमारे पोर्ट एरियाज़ थे, उन एरियाज़ से इनको व्यापार के लिए आना और जाना थोड़ा सा ईजी पड़ता था. They became centers of British power in the different regions of India. तो ये कुछ particular areas थे, ये कुछ presidency cities थी जहाँ से Britishers easily trade कर सकते थे India के साथ. So new occupations emerged and people flocked to these colonial cities. तो इन cities में occupations के भी ज़्यादा chances थे, लोगों तो जो पीपल्स थे वो कॉलोनियल सिटीज़ में रहते थे. ऑन फॉर द दे केम फ्रॉम द विलेजेस, विलेज एरियाज फॉर अर्निंग समथिंग. सो बाय अबाउट 1800 दीज वर द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो 1800 के टाइम की बात है कि इंडिया में जो ये जो कुछ एरियाज थे ये हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो गए थे. ठीक है, Kolkata, Bombay and Madras were the first cities built by the British. तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास सबसे पहले सिटीज बने थे. After the revolt of 1857, British built a new capital in Delhi. तो as I explained you this topic in previous video also, that जब क्रांति हुई थी 1857 में, तो ब्रिटिशर्स कहाँ चले गए थे, उन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया था. So, two architects, Edwin Lutyens and Herbert Baker designed New Delhi. तो ये जो दो ऐसे आर्किटेक्टर थे, इन्होंने इंडिया न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया एंड इट्स बिल्डिंग्स. सो द कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली नीडेड बोर्ड एंड स्ट्रेट स्ट्रीट्स. तो जो हमारा सिटी कैपिटल था उसको, उसमें बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी स्ट्रीट्स बनाई गई. इट हैड टू बी ग्रीन विद ट्री एंड पार्क्स, इंश्योरिंग फ्रेश एयर एंड एजुकेट ओपन स्पेस. तो उधर एक तो ग्रीनरी, दूसरा पार्क्स का इन्वेंशन किया गया, पार्क बनाए गए, इन्वेंट किए गए, एंड सो दैट द फ्रेश एयर वहाँ पे इजीली एजुकेट स्पेस में मिलती रहे. द 2 miles लॉन्ग राजपथ लीडिंग टू वाइसरॉय पैलेस विद द सिक्रेटिक्स बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ राजपथ बिकेम द चीफ फीचर्स ऑफ न्यू दिल्ली. तो जैसे कि हमें पता है न्यू दिल्ली में जो हमारा राजपथ है, एक सीक्रेट बिल्डिंग है, नाउ इट इज़ कॉल्ड राष्ट्रपति भवन ऑल्सो. ओके, सो इंडिया गेट एंड कॉन नॉट प्लेस एडेड टू द गेंडियर ऑफ द सिटी. तो ये जो कुछ ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्लेस हैं जो हमारे दिल्ली को एक स्प्लेंडेड बनाते हैं, एक चमकदार बनाते हैं. ठीक है, सो देन नेक्स्ट ग्रोथ ऑफ
मद्रास एज अ कॉलोनियल सिटी. अब सबसे पहले मद्रास की बात करते हैं. सो फोर्ट सेंट जॉर्ज बिकेम द सेंटर ऑफ द वाइट टाउन वेयर द यूरोपियंस लिव्ड. तो उस टाइम पे जो ये पर्टिकुलर स्ट्रीट थी फोर्ट सेंट जॉर्ज बिकेम, वहाँ पे जो स्ट्रीट थी वहाँ पे स्पेशली यूरोपियंस उस टाइम पे रहते थे. नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू लिव इन दिस एरिया. उस एरिया में वाइट्स टोटली वाइट पीपल वर अलाउड टू लिव एंड सो द नॉन वाइट पॉपुलेशन लिव्ड आउटसाइड द फोर्ट. तो वो जो किला था या हम कह सकते हैं पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ पे जो नॉन वाइट थे उनको अलाउ नहीं था. दे नॉट एंटर, दे नॉट लीव, दे नॉट बी अलाउड टू एंटर नॉट लीव देयर. सो दिस एरिया वॉज कॉल्ड द ब्लैक टाउन. हियर लिव द इंडियन वेवर्स, आर्टिशियंस, मिडल मैन एंड इंटरप्टर्स हु प्लेड अ वाइटर रोल इन द कंपनीज ट्रेड. तो उसके साइट में ब्लैक टाउन था हम कह सकते हैं. तो देयर इंडियन वीवर्स और आर्टिशंस और जो मिडल मैन होते थे जो कंपनी में जो हेल्प करने के लिए काम करते थे, सिर्फ वही पीपल वहाँ रहते थे. ठीक है. सो दिस एरिया वॉज अ ट्रेडिशनल इंडियन टाउन विद हाउस बिल्ट अराउंड टेम्पल्स एंड बाजार्स. तो उन वो जो एरिया था काफ़ी ट्रेडिशनल एरिया था, बहुत पुराना एरिया था. ठीक है, जिसको हम ब्लैक टाउन कह रहे हैं. द एरिया वॉज कॉल्ड ब्लैक टाउन, जहाँ पे इंडियन वेवर्स, आर्टिशंस और मिडल मैन रहते थे और वो पीपल रहते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करते थे. ठीक है, उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ में और स्पेशली इन ट्रेड. सो दीज एरियाज वो ट्रेडिशनली मेड बाय द इंडियंस. तो वहाँ पे इंडियन टाउन्स थे, हाउस वहाँ पे बनाए हुए थे, टेम्पल्स थे, बाजार थे. देयर वर नैरो लेन्स अलॉन्ग विद विच पीपल लिव्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप. तो वहाँ पे पीपल अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग रहते थे. दस द टाउन प्लानिंग ऑफ मद्रास वॉज वेरी मच अलॉन्ग रेसिकल लाइन. ठीक है, तो वो जो एरिया था उधर ऑलरेडी पीपल देयर कास्ट वेजेस में रहते थे. देन टाउन प्लानिंग इन कोलकाता. सो इन ऑर्डर टू डिफेंड कोलकाता द ब्रिटिश डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू फोर्ट. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि कोलकाता में भी एक नया फोर्ट बनाया जाए. ऑन दैट कुड नॉट बी ईजिली अटैक्ड, जहाँ पे ईजिली बाहर के किसी भी बंदे के द्वारा अटैक ना किया जाए. ठीक है, एक किला. सो दिस वॉज द फोर्ट विलियम. अराउंड द फोर्ट दे लेफ्ट अ वास्ट ओपन स्पेस सो दैट देर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन फायरिंग एंड एडवांसिंग एनिमी आर्मी. तो उधर एक ओपन स्पेस बनाया गया जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आ पाए, कोई परेशानी ना हो पाए इजिली. दे एडवांस देयर एनिमी आर्मी. सो दिस वास्ट ओपन स्पेस अराउंड द फोर्ट वॉज बिकम अ लैंडमार्क ऑफ कोलकाता. तो आज के समय में भी वो कोलकाता का एक लैंडमार्क है. द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राई टू क्लीन अप कोलकाता बाई क्लीनिंग द एक्सेसिव वेजिटेशन, डर्टी टैंक्स एंड द पुअर ड्रेनेज. तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोशिश की कोलकाता को क्लीन करने की, साफ़ करने की. वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन थी, डर्टी टैंक्स थे, पुअर ड्रेनेज सिस्टम था, उसको उन्होंने सुधारा. दीज कंडीशंस अलार्म द ब्रिटिश बिकॉज दे न्यू दैट पॉइजनस गैसेस फ्रॉम मार्श लैंड्स एंड पूल्स ऑफ सैगिटेंट वाटर गेव बर्थ टू सेवरल डिजीजेस. बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता था कि अगर वहाँ पे वो सफाई नहीं करेंगे तो जो पॉइजनस गैसेस हैं एंड मर्श लैंड्स हैं, दलदले हैं या कहीं पे पूल बने हुए हैं जहाँ पे पानी रुका रहता है, तो दैट सैग्नेट वाटर गिव सेवरल डिजीजेस, बर्थ टू द सेवरल डिजीजेस, बहुत से डिजीजेस को वो बर्थ करेंगे. सो दिस पब्लिक हेल्थ बिकेम द प्राइम बेसिस फॉर क्लीनिंग एंड सस्टेनेबल टाउन प्लानिंग. तो सबसे पहला जो इनका मेन मोटो था कि पब्लिक की हेल्थ के लिए इन्होंने सोचा एंड दे क्लीन ऑल दीज एरियाज एंड देन दे मेक द प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल टाउन. ओके, नाउ टाउन प्लानिंग इन बॉम्बे. सो बॉम्बे वॉज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हाफ द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया पास थ्रो बॉम्बे. तो बॉम्बे एक कॉमर्शियल कैपिटल थी उस टाइम पर, 19th सेंचुरी की ये बात थी, क्योंकि
हाफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया पास थ्रू द बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे से ही जो हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था, तो हाफ ऑफ द पोर्शंस द ब्रिटिशर्स डिड फ्रॉम द बॉम्बे पोर्ट ओनली. सो टू मार्क देयर पावर एंड अथॉरिटी द ब्रिटिश बिल्ट मैनी बिल्डिंग्स इन बॉम्बे रिफ्लेक्टिंग देयर सुप्रीमेसी अथॉरिटी एंड पावर. तो उन्होंने बॉम्बे में अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी अथॉरिटी को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाई. ठीक है. मोरेवर बाई कंस्ट्रक्टिंग यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग द ब्रिटिश वॉन्टेड टू एम्फोसाइज द वास्ट गैप बिटवीन देम एज कॉलोनियल मास्टर्स एंड देयर इंडियन सब्जेक्ट्स. तो वो बिल्डिंग बनाने का मेन मोटो ये भी था कि वो अपनी एक आइडेंटिटी दिखाना चाहते थे, अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते थे, और वो ये दिखाना चाहते थे कि इंडियंस की जो इंडियन का जो सब्जेक्ट है वो हमसे कितना डिफर है. ठीक है. जो हमारा कॉलोनियल मास्टर है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन सब्जेक्ट. ओके. सो वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज द बंगलो. द बंगलो यूज्ड मोस्टली बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स was set in an extensive ground so that a distance can be maintained from the Indian world. तो ये क्या था, एक बंगला टाइप का बनाते थे basically for all the government officers. ठीक है. जो भी government के जो भी officers होते थे mostly उनके लिए बनाते थे, ताकि वो Indian जो people थे उनसे थोड़ा सा distance बना के वो रहे. ठीक है. So this much is enough in this video. Next I'll explain in next one.